हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ट्रिकी भी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 5 है, अ मेटालिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री। पहले मैं एक मेटालिक कोन बना दे रहा हूँ, राइट सर्कुलर कोन। ये कोई मेटालिक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी वर्टिकल एंगल गिवन है आपको 60 डिग्री। ठीक है, इज कट इंटू टू पार्ट्स एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट बाय प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। इसको बीच से काट दिया गया। ठीक है, मैं इसको यहां से काट दिया गया। ठीक है, मिडल से काटा गया है। इसकी पूरी हाइट है 20 सेंटीमीटर। जब इसको आप मिडल से कट करेंगे आप, तो ये हाइट जो होगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी यहां तक, और यहां से लेके यहां तक भी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द फ्रस्टम शो ऑब्टेंट, इधर जो फ्रस्टम बना, ये फ्रस्टम बी ड्रॉन इन टू अ वायर ऑफ डायमीटर 1.16 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। ये जो फ्रस्टम फॉर्म हो रहा है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया वायर में, और उस वायर की डायमीटर गिवन है आपको 1/16 सेंटीमीटर। उस डायमीटर की आपको लेंथ निकालनी है। ठीक है, पहले मैं इसका नाम दे रहा हूं, इसको मैं मान लो ए है, बी, सी। मैं यहां से एक लाइन डाल दे रहा हूं, यहां पे ये पॉइंट डी है। ठीक है, इसको मैं मिला दे रहा हूं, इसे मैं मानता हूं ई, एफ, और ये पॉइंट जो है वो है जी। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन है ये जो फ्रस्टम है ई बी सी एफ, सो कन्वर्ट किया गया वायर में, तो वायर का शेप कैसा होता है? सिलिंड्रिकल। मैं एक वायर भी यहां पे फॉर्म कर दे रहा हूं। ठीक है, इसकी डायमीटर गिवन है आपको 1/16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर ये फ्रस्टम ये वायर में कन्वर्ट हुआ, तो इस फ्रस्टम की वॉल्यूम और ये जो सिलिंड्रिकल वायर, इसकी वॉल्यूम, दोनों की वॉल्यूम इक्वल होगी। तो लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ई बी सी एफ इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वायर, सिलिंड्रिकल वायर। इक्वल क्यों होगा? इक्वल इसलिए होगा क्योंकि फ्रस्टम से जो कन्वर्ट होकर वो बना है, तो दोनों की वॉल्यूम इक्वल होगी। ठीक है, अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो देख लेंगे हम। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ये होता है पाई एच अपॉन 3 रेडियस ऑफ टॉप होल स्क्वायर, रेडियस ऑफ बेस होल स्क्वायर, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस ऑफ टॉप इनटू बेस। हमारे पास एच तो है, क्योंकि अगर ये पूरा 20 है, ये 10 हुआ, ये 10 हुआ, लिख लीजिए हाइट ऑफ फ्रस्टम टेन सेंटीमीटर है। लेकिन हमारे पास ना तो रेडियस ऑफ टॉप है, ना ही रेडियस ऑफ बेस है, वो हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए, ये पूरा वर्टिकल एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये क्या रहा है, इसको डिवाइड करेगा इक्वली, मींस ये एंगल जो होगा वो होगा 30 डिग्री। तो पहले हम देखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी अगर हम 10 लगाएंगे, 10 30 डिग्री, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहां पे? बी डी, और बेस क्या है? ए डी। बी डी अपॉन ए डी, 10 30 की वैल्यू 1/√3। बी डी हमें कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ कोन गिवन है 20 से 20 सेंटीमीटर। 20 मैं लिख दे रहा हूं हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो यहां से बी डी क्या हो गया? 20/√3। बी डी मीन्स रेडियस ऑफ बेस, इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल आर, तो कैपिटल आर आ गया। अब हमें निकालना है स्मॉल आर। अब लेंगे हम इन ट्रायंगल ए ई जी, इन राइट ट्रायंगल ए ई जी, ए ई जी सेम लगाएंगे 10 30, क्या हो जाएगा?
ईजी अपॉन, परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, ईजी अपॉन एजी। 1030 मीन्स 1/√3। ईजी हमें कैलकुलेट करना है और एजी क्या है 10। दिस इंप्लाइज ईजी इक्वल्स टू 10/√3। ये रेडियस ऑफ टॉप है जिसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, क्योंकि हमारे पास फ्रस्टम, हाँ फ्रस्टम की हाइट भी है, रेडियस भी है टॉप की बॉटम की, तो निकाल लीजिए वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। इक्वल्स टू पाई एच अपॉन थ्री, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। तो पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 इंटू 10 इंटू 1/3 आर स्क्वायर। स्मॉल आर क्या है 10/√3, तो 10/√3 होल स्क्वायर। कैपिटल आर है 20/√3, 20/√3 होल स्क्वायर प्लस 10/√3 इंटू 20/√3। तो ये क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 10/3, 10 स्क्वायर 100, √3 स्क्वायर 3, 400/3 प्लस 10 इंटू 20 200, √3 इंटू √3 3। ये क्या हो गया 22 इंटू 10/7 इंटू 3 इंटू 100 प्लस 400, 500, 500 प्लस 200, 700/3। तो 7 से ये 100 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया 22,000/9 cm³। ये क्या आया वॉल्यूम ऑफ दिस फ्रस्टम E, B, C, F, 22,000/9 cm³। अब हम निकालेंगे इस वायर की वॉल्यूम और दोनों ही वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे। मैं मान लेता हूं कि जो वायर है इसकी लेंथ जो है वो L है। लेट लेंथ ऑफ वायर बी L सेंटीमीटर, ठीक है। ये सिलिंड्रिकल शेप में है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायर पाई आर स्क्वायर एच होता है, यहां पे एच क्या है एल, मींस 22/7। रेडियस में पता है नहीं, डायमीटर पता है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं पहले डायमीटर ऑफ वायर इज इक्वल्स टू 1/16 cm, क्वेश्चन में मेंशन है आपको। तो रेडियस ऑफ वायर क्या हो जाएगा 1/16/2, दैट इज 1/32 cm। अब इसको हम यूज कर लेंगे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, आर ये है तो 1/32 इंटू 1/32 इंटू एल, तो कैलकुलेट ही करना है। तो ये क्या हो जाएगा 22/7, 32 को 32 से मल्टीप्लाई करने हो जाएगा 1024 इंटू एल। तो ये हमारा क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर। तो हमने स्टार्टिंग में बताया था वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ ईवीसीएफ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर, अब यूज कर लेंगे इसको। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ईवीसीएफ क्या था 22,000/9 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर, हमने क्या निकाला 22/7 इंटू 1/1024 इंटू एल, ठीक है। 20 से ये 1000 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये 22 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1000 इंटू 7 इंटू 1024 इक्वल्स टू 9L हो जाएगा ये। तो L इक्वल्स टू 7,000/1024/9। 7000 को 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 7,168,000/9, और इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 7,964,444.44, सो ऑन चला जाएगा ये। मीन्स लेंथ ऑफ वायर जो हुआ वो है 7,964,444.44
0.44 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए आप, लेंथ ऑफ वायर। तो उसके लिए क्या 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डेसिमल 3 डिजिट फॉरवर्ड चला जाएगा, तो 796.444 मीटर। ये हो गई इस वायर की लेंथ जो कि ड्रॉ हुआ है इस फ्रस्टम से, ई बी सी एफ। आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी है तो इस वीडियो कंटेंट क्वेरी को पूछे, ये विल गेट रिप्लाई। आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर कंप्लीट हो गया आज, अब कोई क्वेश्चन रेस्ट इसमें नहीं रहा। थैंक यू। हे दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।